लफड़ा लफड़ा लफड़ा, हर जगह पर लफड़ा सुनने मिल रहा है। थगेश भाई के चैनल पर लफड़ा सुनने मिल रहा है, नेटफ्लिक्स पर लफड़ा शब्द सुनने मिल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कुछ लफड़ा वीडियोस फ्रॉम नेटफ्लिक्स। यस, लफड़ा रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कुछ क्लिप्स। नो अंजलि, स्टॉप दैट, थू करो राइट नाउ, गो एंड गार्गल राइट नाउ, गो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अंजलि को पीनट से एलर्जी है, थोड़ा सा भी खा लेती तो सांस नहीं ले पाती, हॉस्पिटल जाना पड़ता उसे। लिस्ट पढ़ती तो ये पता चलता तुम्हें। मैं लिस्ट पढ़ चुकी हूँ, पर इतनी लंबी है कि सब याद नहीं रहता। भाई अदिति का कोई इज्जत है कि तेरी बेटी का एलर्जी का लिस्ट इतना लंबा है, मेरे को याद ही नहीं रहता, क्या करूँ मैं? करीना जी यही गलत है। तुम्हें भी सीखने में टाइम लगा होगा ना? लगा, लेकिन तुम जितना नहीं। अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा क्या? नहीं। डैम सीखा। डैम ब्रो, ये लफड़ा का विजेता मैं काजोल जी को ठहराऊंगा। माँ से नहीं सीखा वाला लाइन माइक ड्रॉप था भाई। यार मुझे अपनी लाइफ बनानी थी, अपना करियर बनाना था, मेरे सपने पूरे करने थे। तेरी लाइफ, तेरे प्रॉब्लम्स, तेरे बहाने, सब कुछ तेरा, मेरा क्या बनी? ये होता है जब दोस्त का कॉल आए, भाई नीचे उतर रहा है और मैं बोल दूं नहीं भाई आज पढ़ रहा हूँ। तेरी लाइफ, तेरे प्रॉब्लम्स, तेरे बहाने, पता क्या है तुझे मेरे बारे में? यार अभी थोड़ा चिल कर, खुद गर्स, बेशरम, थोड़ी दुनिया क्या देख ली बनी, दिमाग खराब हो गया तेरा। अबे कम से कम है तेरे जैसे तो नहीं। माय फादर टू मी, जब मैं सैलरी से एक्सपेंसिव स्नीकर्स लेके आऊं। थोड़ी दुनिया क्या देख ली बनी, दिमाग खराब हो गया तेरा। क्यों? ये रणबीर आदित्य रॉय कपूर के लफड़े का मैं विनर घोषित करता हूँ। आई नो ये हर्ष कॉल है, लेकिन आदित्य रॉय कपूर को देखो भाई, रणबीर ने जो टोन में बात किया वो टोन मैं तो ना सहता। इट्स नॉट फनी, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वाज नॉट फनी। ऋतिक भाई ने माइक ड्रॉप कर दिया। 4 साल हो चुके हैं इस बात को और मैं माफी मांग चुका हूँ। ओके, अब जाने दे उसे। वरना क्या है? वरना क्या? वरना क्या? ए ए ए ए ए ए ए बचा। ये भी स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है, कबीर और इमरान का कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है व्यूज के लिए। एकदम एल्विश मैक्सटन नहीं लग रहे लड़ते हुए? और ये रजत दलाल है। ऋतिक वाले लफड़े का विजेता मैं घोषित करता हूँ इमरान को। आओ बू मत करो भाई, बू मत करो। आई नो हार्श कॉल है, लेकिन आई थिंक ऋतिक भाई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोन ही फेंक दिया है, लेके दे देगा दूसरा, चाहे वो जापानी स्कूल गर्ल वाला फोन हो, लेकिन लेके देगा ना तुमको। तो ओवर रिएक्ट मत करो। हमारे हैप्पीली एवर आफ्टर की शुरुआत। हेलो फ्यूचर वाइफ। इस फाइट का विनर क्लियरली मैं डिक्लेयर करता हूँ हमारे रोहित सरफ को। बिकॉज ऐसा मोस्टली इनसेन बिहेवियर तो मैं ना सहूं भाई। अरे ये बढ़िया करे भाई, मिल गई मुक्ति। भगवान कसम, जब से शरत आ रहा हूँ ना तब से ढूंढ रहा हूँ आपको, बहुत बुरा लग रहा है त्यागी जी। ले लो ले लो भाई, पिटाई होगी अब भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगा। सबके सामने तुम्हारा गिन के 100 रुपए है भाई, 100 रुपए। दुनिया को भी चलना चाहिए ना कि त्यागी जी हार गए, त्यागी जी हार गए, और त्यागी जी की फटने भी तो चाहिए। लेट्स गो। अरे नहीं, भाई 1v2 हो गया। अरे भाई 1v4, अकेला पूरा स्क्वाड को नॉक कर रहा है भाई। गया भाई गया। दूसरी टीम आ गई। ये लफड़े का कोई विजेता नहीं है, ये लफड़ा कोई विजेता नहीं है, लफड़े का ड्रॉ। गलत नहीं था, एग्जैजरेशन था, इट वाज अ ह्यूमरस टेक ऑन माय लाइफ ब्रो। डैम, मेरे या मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बोलना है तो मुंह पे बोल मेरे। क्या
रिलेशनशिप ब्रो, मुझे मालूम भी नहीं कि तू रिलेशनशिप में है। कुछ नहीं भाई, बस एक दोस्त क्रिएटर को रोस्ट कर दिया। ब्रो तेरे को मेरे या मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बोलना है तो मुंह पे बोल मेरे। रही बात आज की, तो मैं एक कॉमेडियन हूँ, जो दिखता है वो बोलता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, और कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है, एक जोक नहीं सुन सकता तो यहाँ क्यों आया? जिम में बैठना। ओ अपने टिंडर हैबिट के बारे में बात करना। अरे जरा सी इंटिमेसी हैंडल नहीं होती इससे। इमोशनली स्टंटेड है तू ब्रो, सेक्स एडिक्ट है तू। इसके बारे में जोक्स बनाना, दैट कुड बी हिलेरियस। हु नोस, मे बी विल गेट यू अ स्पेशल ऑन नेटफ्लिक्स। हां भाई तुम कर लो प्लगइन नेटफ्लिक्स का, हम तो बैठे ही है यहाँ। भाई क्या इंसेप्शन हो रहा है, नेटफ्लिक्स का प्लगइन कर रहे, मैं नेटफ्लिक्स का रिएक्शन कर रहा हूँ और ये जाएगा भी नेटफ्लिक्स पे। भाई फुल इंसेप्शन हो गया है। बट इस लफड़े में मेरे को लगता है कोई भी नहीं जीतेगा, दोनों जिंदगी से हारे हुए लोग हैं। दोनों ही एक दूसरे पे रोस्ट हैंडल नहीं कर सकते, ओके? जो रोस्ट को स्पोर्टिंगली नहीं ले सकता ना, उसको मैं नहीं मानता भाई। नहीं, दोनों फालतू, दोनों आउट। ये क्या है? एफडी तोड़ने में क्या दिक्कत है? अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था, कहाँ से देता? तुम्हारे खाली केटरिंग बिजनेस से? ये मेरे पैसे थे यार। राइट, एक साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी। कहाँ से बचा रही थी? जो पैसे मैं तुम्हें घर चलाने दे रहा था उसी वजह बचा दी ना। तो हमारे पैसे कहाँ जाओगे? ऐसे छोड़ दो। खर्चा किया तुमने उसे? तुम्हारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है शराब में। अनु को क्या दिया तुमने? टप करूंगी आसमान से मैं, क्या उसका अकाउंटेंट लगा हुआ? खड़ा जा, निकल। क्यों? आउट। बिल्कुल नहीं, तुम अपना काम करो, खत्म करके जाओ। अभी उठ जा, उठ जा भी। जो ठीक लगे बुरे वक्त में जो ठीक लगे। साले एक थप्पड़ तेरे को भी पड़ेगा, बस करो। आप सोचता रहेगा सालो गरीब हो, लड़ रहे हो, जो दो 10-20 रुपए जो देना दे दो। सोचता रहेगा मेरे से ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इनके घर में चल रहा है। आप यार फोन मांग कर अपना। अरे डैड फोन आपका बज रहा है यार। मुझे मालूम है मेरा फोन है, बैरन ही हूं मैं। सबने गधा समझ रखा है मुझे। अरे मैंने आपको गधा का बोला डैड? गधा तो मैं हूं यार, जब से घर। इस लफड़े का आई थिंक विनर है डॉग, जो डॉग जो भाग के चला गया ना, डॉग विनर है आई थिंक। बाकी सब सर्कस है, पूरा घर ही है। जो डॉगी था, क्यूट डॉगी चला गया, वो विनर है। गन्स एंड ग्लव्स। क्या बकवास है? क्या बकवास भर दिया? किसने लिखा ये? चंदा सिर्फ मेरी और मेरी रहेगी। मकोड़े, तू चंद्रलेखा जी से प्यार करता है? सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं चंदा जी से। आपसे चमाट मार लो है गुस्सा, मैं जीते जी किसी और का नहीं होने दूंगा उनको। Damn, जान तक देने के लिए तैयार हूँ मैं अपने प्यार के लिए। ये देखो, इनका नाम भी घोटना शुरू कर दिया है मैंने। बस एक बार हाँ बोल दे तो पूरा नाम लिख दूंगा विद सर नेम। सी एच लिखा है खाली। ना बोल देगी तो आगे कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? बिचारों को स्कूल से निकलने के बाद भी पनिशमेंट मिली। बट इस लफड़े का विनर आई थिंक वो बच्चा है जिसने अपने हाथ में सी एच लिखवाया है। आई थिंक एक लफड़े में जुनून चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है, दोनों उस बच्चे में था। आई थिंक वो विनर है। छोड़ो, तुम शादी के बारे में बात करो। अरे नहीं करनी है शादी, अब क्या अपने जिसम पे टैटू बना के समझाए तुमको? मैडम छेड़ो है क्या तुमने? ये तुमको छेड़ना लग रहा है, तुम ज़रा हीरो बनो बस में। एवरेज दिल्ली मेट्रो एक्सपीरियंस। मैडम छेड़ो है क्या तुमने? ये तुमको छेड़ना लग रहा है, ले चले जाएंगे। पूछो कोटा आईआईटी क्लासेस के लिए फेमस है। आईआईटी का फुल फॉर्म बताओ। चलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे जो चीज का हमारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं उसके बारे में मत पूछो। ठीक है, गाड़ी का शोरूम है ना तुम्हारा, एबीएस सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ। हमको क्या देख रहे हो भाई? तुम हो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अरे वो काम हमारे भैया देखते हैं। तुम साहूकारी का काम देखते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो हम 10वीं का एग्जाम एक बार दे चुके हैं, सर्टिफिकेट भी हमारे पास। वरुण भाई गिव अप कर दो, गिव अप कर दो, अब नहीं हो पाएगा। कल अगर तुम्हारे पिताजी तुमको घर से निकाल दिए तो क्या करोगे? हमारे पिताजी हमको घर से क्यों निकालेंगे? तुम अगर हमको शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिए तो तुमको घर से नहीं निकालेंगे। ना, चीप शॉट आलिया, चीप शॉट आलिया जी, ये गलत चीप शॉट। इसलिए मुकाबले का विनर मैं वरुण धवन को डिक्लेयर करता हूँ बाय डिस्क्वालिफिकेशन। नो चीप शॉट नॉट अलाउड। यार थोड़े हॉलीवुड के भी लफड़े देख ले यार। ई लफड़े वाले से असलियत में मुलाकात हो गई। Well, here I am. No time. I understand. Whoa!
भाग लिया। इस लफड़े में देखो मैं बायस रहूंगा, डीसी का फैन तो हुई मैं, लेकिन सुपरमैन का फैन हूं मैं। ओके, बैटमैन का सुपरमैन का फैन हूं, तो इस लफड़े का विनर है मी एंड माई ब्रदर आफ्टर पेरेंट्स लीव द हाउस। I am Nemesis Prime. छोटे भाई ने लड़की के साथ मॉल में देख लिया। I am Bumblebee, your oldest friend. Optimus, I would lay down my life for you. Bumblebee, what have I done? छोटे भाई के साथ WWE खेल रहा था, अब 10 मिनट से वो उठ नहीं रहा है। What have I done? I think that's it for लफड़ा reacts. वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। कौन सा लफड़ा आपका फेवरेट था नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड अगर और लफड़ा रिव्यू चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी सब मूवीज तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ही, तो जाके देख लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। Peace out.